बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि आप अपनी ड्राइंग्स को पीडीएफ के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे और इन ड्राइंग्स को तमाम प्रोजेक्ट आपके जो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ड्राइंग्स हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, इनको आपने एक पीडीएफ की शीट के अंदर कैसे मर्ज करना है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो बताऊंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको बताऊंगा ऑटो कैड के अंदर से आपने पीडीएफ के अंदर कैसे कन्वर्ट करनी है, और दूसरे नंबर के ऊपर आप आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि सारी ड्राइंग्स अलग अलग सेपरेट ड्राइंग्स मेरे पास ओपन हुई हैं और आखिर में ये मेरे पास कंप्लीट वन ड्राइंग्स के अंदर है। तो जैसे मैं इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि सारी सिंगल शीट है, सारी ये नंबर्स वाइज सारी सिंगल शीट्स जा रही हैं, और इन शीट्स को आपने एक रैंक के अंदर कैसे मर्ज करना है ताकि आप किसी को व्हाट्सअप कर सकें, किसी को मेल कर सकें जो कि अपना काम साइड के ऊपर कर रहा है, या अपने क्लाइंट या किसी भी आप अपने दोस्त साहब आपको करना चाहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लास्ट के ऊपर आते हैं तो ये पूरी रैंक जो है ये वन शीट के अंदर हैं, इधर से आप इसको किसी भी तरीके से व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये आखिर में आप ये देख रहे हैं रैंक है मेरे पास, ये इसका साइज 2.81 है और ये सारी सिंगल शीट हैं। तो आपने जैसे ऑटो गाइड के ऊपर आ जाना, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑटो कैड के ऊपर से जो भी ड्राइंग्स होंगी आपने उसका तरतीब वाइज सीरियल नंबर बनाना है। अगर आपने उसको मर्ज वन शीट के अंदर करना है तो आपने उसको तरतीब वाइज बनाना है उसी तरीके से 1, 2, 3 के हिसाब से। आप सपोज देख रहे हैं कि ये मेरे पास पूरी प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, इधर सबसे पहले आपने इधर फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है, हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग्स हमारे पास पहला पेज है, आपने प्रोजेक्ट का नाम जो होगा आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को कर देना है, उसके बाद जो भी ड्राइंग आपकी आ रही होगी तो आपने उसको करना है। आर्किटेक्ट ड्राइंग है हमारे पास तो आपने जैसे कंट्रोल पी की कमांड करनी है, कंट्रोल पी की कमांड कर सकते हैं, जैसे आपके पास प्लॉट जो हमारे पास प्रिंटिंग वाली विंडो होती है वो ओपन हो जाएगी। तो इधर से आप इसको इधर से प्लॉट ऊपर आइए आपको नजर आ रहा है, आप इधर से भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, इसी तरीके से ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इधर से आपने हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन होएगा कि आपने इसको किस फॉर्मेट के अंदर आपने उसको सेव करना चाहते हैं पीडीएफ के अंदर। अगर आपने इसको कलर वाइज करना है तो आपने इसका फुल पैटर्न कर देना है, फुल पैटर्न करके यस करेंगे तो ये आपके पास सारे कलर्स के अंदर आ जाएंगी, और अगर आपने उसको ब्लैक के अंदर करना है तो आपने जैसे मोनोक्रोम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, मोनोक्रोम को आप सेलेक्ट करके और जैसे आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट सारा पीडीएफ बना सकते हैं। तो हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे मोनोक्रोम के अंदर, उसके बाद आपने आ जाना है इधर सेकंड नंबर ये प्लॉट ऑप्शंस के अंदर, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन विड्थ है, आपने इसको अनचेक कर देना है। आपने इस ऑप्शन को आपने अनचेक करना है तो आपकी ड्राइंग्स आपकी बिल्कुल वाजिया नजर आएंगी, क्लियर आएंगी, प्लॉट लाइन विड्थ आएगी तो वो लाइन उसकी मोटी नजर आएंगी। तो आपने सेकंड नंबर के ऊपर प्लॉट लाइन विड्थ को आपने अनचेक कर देना है, उसके बाद आपने इधर आ जाना है प्रिंटर प्लॉटर के ऊपर, इसको आप इधर से नीचे करेंगे तो ये आपके सामने पूरी प्लॉटर पूरी लिस्ट आपके सामने इधर ओपन हो जाएगी, सारे जो भी आपको प्रिंटर्स चालू हुआ होगा कंप्यूटर के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर, तो इसके अंदर से आपने माइक्रोसॉफ्ट 2 PDF आपने जैसे इस ऑप्शन को आपने चूज़ कर लेना है, आप इसको जैसे चूज़ कर लें, उसके बाद आपने इधर आ जाना है पेपर साइज़ के ऊपर, इधर से आप अपना पेपर साइज़ कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हम इधर से A4 हम A4 के ऊपर इसको बनाएंगे तो A4 का पेपर साइज़ आपने जैसे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने इधर से प्लॉट स्केल है ये आपके पास अनचेक हुआ हुआ है तो आपने दोनों को चेक इन कर देना है, आपने प्लॉट स्केल फिट टू पेपर और आपके पास सेंटर द प्लॉट आपने ये दोनों ऑप्शन इधर से चेक इन कर देने। उसके बाद आते हैं ड्राइंग ओरिएंटेशन है आपका, प्रोट्रैक्टर है आपका, वर्टिकल और लैंडस्केप दोनों में से जिस टाइप की आपकी ड्राइंग्स हैं वो दोनों ऑप्शन आप इधर से उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टल बनाने हैं ड्राइंग्स को तो आपने लैंडस्केप कर देना है, वर्टिकल बनाना है तो ऊपर वाला ऑप्शन आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है इधर व्हाट टू प्लॉट वाले ऑप्शन के ऊपर, इधर से आपने इसको सिलेक्ट करना है और नीचे विंडो वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, आपने इधर से विंडो सेलेक्ट कर लेनी है, इधर आपके सामने इधर विंडो आ जाएगा, आपने इधर से विंडो को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले नंबर के ऊपर जो सी ड्राइंग आप प्लॉट करना चाहते हैं उस ड्राइंग की आपने विंडो ले लेनी है, इसका स्नैप वगैरह आपने इधर से ऑन कर लेने हैं, विंडो आपने इसकी विंडो लेनी है शुरू से लेकर एंड तक जो रेक्टेंगुलर बनी होगी, तो उसके बाद आपने सर व्यू के ऊपर आ जाना है। व्यू के ऊपर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिटेल डिजाइनिंग है आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, तो ये आपने इधर से प्रीव्यू देख लेना है और राइट क्लिक करना है माउस की मदद से और प्लॉट वाले ऑप्शन को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपके पास जिधर भी आपके पास वो ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं आप उधर से उसका फोल्डर आप चूज़ कर लें, अगर मेरे पास पीडीएफ है तो इधर से मैं इसका पीडीएफ का न्यू फोल्डर बनाऊंगा और कोई भी नाम इसका मैं इंटर कर सकता हूँ XYZ, और करने के बाद आपने इसको ओपन करना है, उसका नंबर आपने दे देना है 1, जो सी पहली ड्राइंग होगी आपने उसका 1 नंबर दे देना है। अभी हमारे पास 1 नंबर हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग्स आ गई हैं, इसके अंदर आपने अपने ड्राइंग डिटेल डिज़ाइन के ऊपर आ जाना है, उधर से जो सी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स होंगी वो आपने पहले नंबर के ऊपर सेलेक्ट करना है जो आपकी पहली होगी, ये हमारी लेआउट की ड्राइंग्स है, ये हमारी पहली ड्राइंग है, तो आपने दोबारा कंट्रोल पी करना है, कंट्रोल पी करने के बाद विंडो ओपन हो जाएगी, तो इसके बाद आपने पेज
सेटअप के ऊपर आ जाना सबसे ऊपर, और इधर से आपने प्रीवियस प्लॉट आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा आपने जो पहले शीट के ऊपर सेटिंग की होगी ये सेटिंग दोबारा सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगी। उसके बाद आपने जैसे विंडो लेनी है, और विंडो लेने के बाद आपके पास जो पहली ड्राइंग्स आ रही है उसकी विंडो आपने जैसे ले लेनी है। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देख लें, तो ये आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये ड्राइंग हमारे पास आ जाएगी। आप राइट क्लिक करके प्लॉट कर दें और इधर इसका नेम इंटर कर दें। पहले का हमने 1 दिया था, उसके बाद आपने 2 दे देना इसका नाम। उसके बाद इसी तरीके से इसका सेकंड फ्लोर की ड्राइंग है, आपने इसी ड्राइंग को इसी तरीके से कंट्रोल पी कर लेना है, और जैसे प्रीवियस प्लॉट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके विंडो आपने कर लेनी। विंडो करेंगे तो आप देखेंगे पहली ड्राइंग हमारे पास ये वाली सिलेक्ट हुई हुई थी। सेकंड नंबर के ऊपर आपने इधर से आना है और सेकंड ड्राइंग को आपने सिलेक्ट कर लेना है और इधर से ओके कर लेना है। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देख लें, इसको आपने नंबर 3 दे देना है। इसके बाद 4 नंबर के ऊपर ये हमारे पास एलिवेशंस वगैरह हैं इसके, तो सारे ये भी इसी तरीके से कंट्रोल पे आपने करना है। और आर्किटेक्ट के अंदर आएंगे तो आपने जैसे इसकी विंडो लेनी है, और जैसे आपने इसकी विंडो लेके और एंड तक आपने इसको बना देना है। प्रीव्यू देखना चाहते हैं देख लें, और जैसे प्लॉट कर दें और नंबर लगा दें 4। इसी तरह आप ये देख रहे हैं 4 नंबर के ऊपर हमने ड्राइंग्स लगा दी हैं। इसके बाद आगे हमारे पास हम इसको स्ट्रक्चर ड्राइंग्स वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो आपने सबसे पहले जो उसकी मेन हेडिंग्स वगैरह होगी, जो पेपर आप जो लगाना चाहते हैं फ्रंट के ऊपर, आपने इसी तरह कंट्रोल प्रीवियस आपने आ जाना है और विंडो करना है, और इधर से आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आपकी आर्किटेक्ट खत्म हो गई हैं, स्ट्रक्चर शुरू हो गई हैं, तो आपने इसको जैसे क्लिक कर लेना है और जैसे आपने इसको ओके करना है। और आगे से नंबर 4 आ रहा था तो आपने इसका नंबर 5 कर देना है। टाइप करने के बाद आपने दोबारा कंट्रोल पी की कमांड ले लेनी है, और इधर से आपने प्रीवियस टू प्लॉट करना है और विंडो वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग्स सारी हैं सारी। तो आपने इसी तरह स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग को भी आपने इसी तरीके से इसकी विंडो ले लेनी है, और इधर से आपने उसका व्यू वगैरह देख लें और आप उसको प्लॉट कर दें नंबर 6 के ऊपर। तो आपने इसी तरीके से नंबर 6 बना देना है इसका। इसके बाद आप ये देख रहे हैं जो भी स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग है, आगे आपके पास एक और ड्राइंग है, अगर स्ट्रक्चर्स की 2-3 ड्राइंग जितनी भी हैं तो आपने इसी तरीके से इस नंबर को आपने आगे कंटिन्यू करना है उसी तरीके से जिस तरीके से आप इसको पहले करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 6 नंबर था, तो 7 नंबर अभी आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। आपने इसका बताने का मकसद ये है कि आपने जब ड्राइंग को मर्ज करना है तो आपने ड्राइंग्स को उसी तरीके के साथ उसके नंबर्स वगैरह दे देना है, ताकि वो आपकी ड्राइंग उसी तरह सीरियल नंबर के ऊपर रहे। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आगे हमारे पास पब्लिक हेल्थ वर्क की ड्राइंग है, या आपकी इसकी ड्राइंग लिस्ट वगैरह है, जो से भी ड्राइंग है वो आप जिधर आप इसको लगाना चाहेंगे आप उसको लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आप उसको उसका नंबर आप दे देंगे, और जैसे इसी तरीके से पूरी ड्राइंग्स को आपने इस फॉर्मेट के ऊपर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी ड्राइंग्स है सबका आपने फॉर्मेट अलग-अलग बना देना है। जैसे मैंने XYZ के अंदर आपको बताई है कि नॉर्मल आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। बनाने के बाद सारी ड्राइंग्स को आपने इसी तरीके से तरतीब वाइज आपने नंबर लगा देना है, जो भी नंबर आप इस ड्राइंग्स के ऊपर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ड्राइंग हम प्रोजेक्ट की भेजेंगे उस ड्राइंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ड्राइंग्स आ रही हैं, जो सी ड्राइंग्स आएंगी वो उसी तरतीब के साथ ड्राइंग्स आएँ, तो आपने इसको बना लेना है। तो बनाने के बाद आपने जैसे अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, कोई भी आपके पास है आप ऑनलाइन हम इसको करेंगे, तो आपने सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम है, कोई भी आपके पास है तो इधर से आपने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है मर्ज PDF। मर्ज PDF लिख के आप इंटर कर दें तो ये आपके सामने सारे ऑनलाइन जितने भी होंगे आपके कंबाइन आपके जो सेक्शन होंगे सारे आ जाएंगे। तो उसमें से हम ये सेकंड ये मर्ज PDF ऑनलाइन फ्री सर्विस मर्ज I Love PDF के ऊपर हम क्लिक करते हैं, आप इसको चूज़ कर लीजिएगा, कोई और भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर सारा आपके साथ फ्री है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आपने ऑनलाइन इधर से सबसे पहले ऑप्शन में इधर से इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे सामने मर्ज PDF फाइल्स वाली सारी ऑप्शन आ जाएंगी। इधर से ये पूछ रहा है आपसे सेलेक्ट PDF फाइल्स, सेलेक्ट PDF फाइल्स को आप करेंगे तो ये आपके सामने अपने कंप्यूटर के अंदर जिधर भी आपने वो फोल्डर बनाया हुआ था उस फोल्डर को आपने जैसे चूज़ कर लेना है। उधर से आपने सारी ड्राइंग्स को ये आप देख रहे हैं सारी ड्राइंग्स आपकी आ रही हैं, तो आपने इसको जैसे सेलेक्ट करना है। ये आप देख रहे हैं इसी तरतीब के साथ आपने इसको सारा बनाया था, तो आपने जैसे कंट्रोल ए करके इसको सारा सेलेक्ट कर लेना। ये लास्ट के ऊपर मेरे पास प्रोजेक्ट ड्राइंग्स वाला बना हुआ था, इसको मैं खत्म कर दूंगा। ये नंबर 1 से लेके और नंबर 21 तक की सारी ड्राइंग्स मैंने इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओपन कर दें तो ये आपके सामने इधर सारा प्रीव्यू वगैरह आ जाएगा। आप इसको इधर से भी रिप्लेस कर सकते हैं इन ड्राइंग्स वगैरह को, जिधर जिधर आप लगाना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो आप इधर से भी इसकी इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं कि जी हम इसको हमने इस तरीके से करना है। तो इधर आपको सामने सारा प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा और इसकी सेटिंग्स वगैरह भी आप इधर से इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इधर हमारे पास ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपने इसका नंबर इसी तरीके से लगा देना है। अभी आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आपने जो उधर लगाए होंगे वो इसी तरतीब से आएंगे। अगर आप इसको इधर से मैनुअल करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी सारा लग जाएगा, तो आपने इसको सीरियल नंबर के
जैसे आपसे करना है। उसके बाद जस्ट आपने जैसे ये मर्ज पीडीएफ वाला ऑप्शन आपके पास सामने नजर आ रहा है रेड कलर का, आपने इसको क्लिक करना है और जैसे आपके पास ये सारी बन जाएंगी और जैसे आपने डाउनलोड मर्ज पीडीएफ को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये आप देखेंगे नीचे हमारे पास इधर ये डाउनलोड होगी, थोड़ा सा टाइम लगाएगा 2-4 सेकंड का, उसके बाद आप इसको ओपन करते हैं तो ये आप देखेंगे पूरी ड्राइंग्स हमारे पास इधर ओपन हो जाएंगी और वो एक ही फाइल के ऊपर आ जाएगी। तो आप उसको जैसे सेव एज कर लें, कॉपी करके अपने मेन फोल्डर के ऊपर रख लें इसी तरीके से जिस तरीके से इधर मेरे पास है। और इधर से आप जिसको व्हाट्सअप करना है, जो जिसको भेजना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ इसको भेज सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत यूज़फुल वीडियो थी कि आपने पीडीएफ उसको बनाना कैसे और बनाने के बाद आपने उसको वन फाइल के अंदर कैसे कंबाइन करना है, कैसे मर्ज करना है। तो इसी तरीके के साथ आप करते हुए अपने प्रोजेक्ट की पूरी ड्राइंग्स को आप बना लें और बनाने के बाद आपने ऑनलाइन जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है और जैसे आपने जस्ट इसके अंदर सर्च कर लेना है कि हमारे पास कोई भी मर्ज पीडीएफ के ऊपर आके या कंबाइन पीडीएफ के ऊपर आके आप कर सकते हैं। और जैसे आपने सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जो से भी आपको बेस्ट इसमें से लगता है आप उसको चूज़ कर लें और जैसे आप उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके और अपना आगे उसको व्हाट्सअप और मेल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।